प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो। तारकासुर। स्वयंभू स्वयंभू। प्रणाम पितामही, मैं आपके आह्वान पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। सावधान वरदानी दैत्यराज तारकासुर, तुम्हारे विरुद्ध दुष्ट इंद्र, देवता और ऋषि मुनियों ने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया है। स्वयंभू पितामही, आपका पौत्र महाबली तारकासुर इस संसार की सबसे अधिक विध्वंसक, भयानक और मारक शक्तियों का स्वामी है। उसे किसी के षड्यंत्र से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंतित ना हो पितामही। तुम इन देवताओं के स्वभाव को नहीं जानते। देवता छलिया है, छल बल नीति अनीति कुनीति, ये सब इनके एकमात्र अस्त्र है। स्वयंभू, किंतु हुआ क्या पितामही, आप अपने चिंता का कारण तो बताएं। दुष्ट देवताओं ने मेरे पितामह परमपिता ब्रह्मा जी के तुम्हें दिए हुए वरदान में दुष्टता प्रारंभ कर दी है। अब वे सब मिलकर शिव को पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो शिव पुत्र होने की संभावना प्रकट होगी और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मृत्यु का संकट तुम्हारे मस्तक पर मंडराने लगेगा। स्वयंभू, किंतु ऐसी स्थिति में मेरा क्या करना उचित होगा पितामही। दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र का अंत हो, इसके लिए किसी भी प्रकार हिमालय पुत्री पार्वती की तपस्या को खंडित कर दो। स्वयंभू स्वयंभू, आप निश्चिंत रहे पितामही, मैं पार्वती की तपस्या कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। स्वयंभू। Hahahaha.